हाय किड्स, देखो हेलो सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। विस्तारित रूप, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म, फॉर्म, ठीक है। यस सर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। अब देखो प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि प्लेस वैल्यू माना हमारे पास एक नंबर है 2346। तो अब माना इसमें हमने 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा सर? 40 4 इंटू 10, ठीक है। अगर 6 का निकालना हो तो 6 इंटू 1 6, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, अब हमने क्या बनाना है। अब देखो इसी का हमने रिवर्स करना है, ठीक है। अब तक हमने जो प्लेस वैल्यू निकाला था इसका हमने रिवर्स करके क्या बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 4067। क्लियर है? यस सर। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें प्लेस वैल्यू ढूंढना है। 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 7। 6 का? 60। 0 का? 0। 0 बोल सकते हैं या 000 लिख सकते हैं वैसे हम, ठीक है। अगर 0 की जगह कोई नंबर होता, माना 1 होता, तो 100 हो जाता, ठीक है। 4 का? 4। कितने 0 आएंगे सर? 3। 3 0 कितना हो गया? 4000। अब हम इसको टोटल का अगर करेंगे कितना आएगा ये सर? हाँ सेम नंबर आएगा ये वाला सर। कितना नंबर है ये? 4067। क्लियर है? यस सर। कि नहीं है? यस क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो, तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे ये 4067 है, तो 4000 + 60 + 7, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, मतलब हमने किसी भी नंबर को क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया, मतलब उसको और बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, हमने बोला कि भाई हमारे पास एक नंबर है 56708। क्लियर है? तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का प्लेस वैल्यू 50,000। वेरी गुड। 50,000 प्लस 6 का? 6 पहले हमने 5 का लिया, फिर हमने 6 का लिया, 6000। फिर 7 का? 700। 700। 0 का तो 0 ही होता है, yes, sir. तो 0 का हम छोड़ सकते हैं, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 8। क्लियर है? यस सर। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं। 7000 ये कितना हो गया, पहले इस नंबर को पढ़ो। 7,56। हाँ वेरी गुड, 7,56। कि कोई भी नंबर जिसमें 6 डिजिट हो रही हो, इसका मतलब वो लाख है, लाख ही है वो नंबर, ठीक है। 6 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला है वो 1000 है, ठीक है। 5 डिजिट वाला है वो 10,000 है, 6 डिजिट वाला है वो लाख है, 7 डिजिट वाला है वो 1,000,000 है, ठीक है। अब देखो हो गया 7,56। यस सर। तो अब देखो को किसका प्लेस वैल्यू लेना पड़ेगा हमें, 7 का? लो 7 का सर, 7,00,000। 7,00,000 50 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 प्लस। अब देखो 10,000 में 0 है, 1000 में भी 0 है, और 100 में भी 0 है, ठीक है। तो इन तीनों को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 में आगे हम कितने भी 0 लगाएं तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। 7,00,000 प्लस 5 50। वेरी गुड। 50 प्लस 6। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही आप और क्वेश्चंस का भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ और ले लेते हैं एग्जांपल्स। 5 6 7 2 1 इसका कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 2 3 5 6 9 इसका कर सकते हो, 8 2 1 5 6 इसका कर सकते हो, 2 3 5 इसका कर सकते हो, ठीक है। जितना छोटा डिजिट होगा उसका उतना करना आसान रहेगा, जितना बड़ा डिजिट रहेगा उसका उतना एक्सपेंशन ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? यस सर।